ओके सो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या रोल है इसका? कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम OECD भी कहते हैं, फैसिलिटेट गवर्नेंस इन गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस ऑफ कंट्रीज विद मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है कि दो बातें इसने की है, एक तो इसने कहा हुआ है कि फैसिलिटेट करता है गवर्नेंस को, दूसरा कहता है मार्केट इकोनॉमिक्स को। ठीक है कि वो इस चीज को देखने की कोशिश करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो तो डिपेंड करती हैं किस चीज पे, कि उनकी कंट्रीज वो उनको कैसे रेगुलेट करती हैं, ठीक है, और उनकी मार्केट सिचुएशन पे डिपेंडेंट होता है। अगर उनकी मार्केट स्टेबल है तो फिर तो उसके लिए जो है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि जी वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो है एक कोड की जरूरत होती है, गवर्नेंस की जरूरत होती है, उसको प्रॉपर तरीके से चलाने की जरूरत होती है, ठीक है, कि वो जो है अपने तमाम ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर, ठीक है। सो जब आपके जो है कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं कि जिनके पास कोई प्लान्स नहीं होते, जो जो है डायरेक्शन की उनकी ज़रूरत होती है, या फिर उनको जो है इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम जो है अपने आप को इस कंडीशन से कैसे निकालें, हम इस सिचुएशन से जो है अपने आप को कैसे बेहतर करके निकाल सकते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं कि वो OECD के साथ जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, और OECD क्या करता है कि उनको फैसिलिटेट करता है कि आपने अपने गवर्नमेंट को कैसे गवर्न करना है और अपने कॉर्पोरेशंस को कैसे लेकर जाना होगा, कि आपकी जो इकोनॉमी मार्केट की चल रही है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, और बाइंग एंड सेलिंग के साथ वजह से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई क्रिएट होती है, तो आपकी इकोनॉमी में ये जो शॉर्टफॉल्स आना या जो है एक्सेसिव होना चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करके लेकर जाने में जो है OECD का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहता है कि इट हैज 30 मेंबर कंट्रीज एंड हैज रिलेशनशिप विद न्यूमरस कंट्रीज। The OECD promotes international country relationships that led to globalization. के 30 member countries जो है उस वक्त तक इसमें जो है register हो चुकी थी, members बन चुकी थी, तो इनका मकसद क्या होता था कि international जो है countries के आपस में relationship strong हो, ठीक है। globalization तो तभी possible हो सकती है जब आपस में तमाम के तमाम countries जो है वो connected होंगे, और उनके connection का मकसद ये तो नहीं है कि वो रोजाना calls वगैरह करेंगे, एक दूसरे के साथ गपशप लगाएंगे तो वो connected होंगे, बल्कि कनेक्शन तभी डेवलप होता है जब इनके दरमियान स्मूथ फ्लो ऑफ जो है फंड्स होती है, स्मूथ फ्लो ऑफ जो है ट्रेड चल रहा होता है, तभी जो है वो आपस में प्रॉपर तरीके से चल सकते हैं, वो जो है ग्रो कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर सकते हैं, ठीक है। सो वन वे जो है चैनल नहीं होता, बल्कि टू वे एक दूसरे को फैसिलिटेशन करने का नाम आपके जो है क्या हो जाता है कि वो आपको ग्रो करने में हेल्प आउट करता है, और उसी की वजह से आपकी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज में कंसिडर होना शुरू हो चुकी है, और आपकी जो है ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो चुकी है कि आपको एक मुल्क की चीज दूसरे मुल्क में इजीली मिल रही है, ठीक है, वो जो है लिमिटाइज नहीं है, वो आपको जो है ओपन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। तो ये कौन फैसिलिटेट कर रहा है? बेसिकली OECD जो है इस चीज में जो है कंट्रीज के दरमियान इंटरनेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने में हेल्प आउट करता है। देन वी हैव रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज। कहते हैं कि सेवरल अदर एजेंसीज हैव मोर रीजनल एज अपोज टू ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपके पास जैसे वर्ल्ड बैंक और ये हो गए, ये तो आपके ग्लोबली तमाम उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ आपके पास ऐसे भी जो है ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज बनाई गई हैं जो क्या करती हैं कि वो रीजनल जो है ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए वर्कआउट करती हैं, रीजनली जो है वो कंट्रीज को प्रमोट करने में मदद करती है, जिसमें कहता है कि द इंटरनेशनल अमेरिकन बैंक डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, फोकसिंग ऑन नीड्स ऑफ लैटिन अमेरिका। कि अब इसको रीजनल वाइज बनाया गया कि लैटिन अमेरिका के लिए क्या बना लिया गया, अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक बना लिया गया, वो उनको फैसिलिटेट करेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे बनाया गया है, वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करेगा, एशिया में करेगा, कि वो एशियन जितनी भी कंट्रीज होंगी उनको फैसिलिटेट करने के लिए रीजनल लेवल पे एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, वो उनके कंसर्न्स को सुनेगा, उनके मसलों को हल करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक किस लिए बनाया गया, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बनाया गया। तो अब रीजनल बेसिस पे भी अपने एक वर्कआउट हुई है, ठीक है, कि रीजनल बेसिस पे उनको फैसिलिटेशन होगी, फिर रीजनल से आपके जो है क्या होगा कि OECD फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल उनके जो है ट्रेड फ्लो को, फिर अगर जो है फंडिंग की जिक्र आएगी तो फिर IFC होगा, फिर IFC से ऊपर जो वर्ल्ड बैंक से ऊपर IMF, और इस तरीके से पूरा एक चेन बनाया गया ताकि जो है इनके दरमियान आपस में कॉपरेशन इंटीग्रेशन चलती रहे कंट्रीज के दरमियान, और उनके फंड्स का ट्रांसफर चलता रहे और ट्रेड जो है प्रमोट होता रहे। So, कहता है कि 1990 द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज क्रिएटेड टू हेल्प द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एडजस्ट फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म।
12 western european countries hold a 51% interest while eastern european countries hold 13.5% interest. The united states is the biggest shareholder with a 10% interest. There are 40 member countries in aggregate. ठीक है, सो आपके जो है 1990s में एक जो है सिस्टम डेवलप किया गया, एजेंसी डेवलप की गई, दैट इज यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जिसका मकसद क्या था कि वो जो है यूरोपियन साइड पे कंट्रीज को जो है फोकस करें, ठीक है, और उन कंट्रीज को हेल्प आउट करें जो जो है कम्युनिज्म सिस्टम से निकल के जो है कैपिटलिज्म की तरफ आ रहे हैं, कि वो जो है अपने आप को वहां पे फैसिलिटेट करें, वो जो है अपने ट्रेड को वहां पे प्रमोट करें. ठीक है, सो वो इस चीज के लिए जो है उन्होंने अपने जो है एक सिस्टम एजेंसीज डेवलप की, और वो क्या करती थी जिसमें जो है 51% इंटरेस्ट तो यूरोपियन हो गया, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का हो गया क्योंकि यूरोपियन उसके लिए बनाया गया, तो वो वहां पे बैठ गए. ठीक है, उसके साथ जो है जितनी और कंट्रीज थी ईस्टर्न यूरोप वाले थे, उन्होंने 13.5% इंटरेस्ट गेन किया उसमें, ठीक हो गया, इंटरेस्ट हासिल किया कि हमें जो है इसमें प्रमोट किया जाए. यूनाइटेड स्टेट जो है उसका बिगेस्ट था, उसने 10% इंटरेस्ट वहां से गेन किया. सो 40 और मेंबर कंट्रीज भी इसमें जो है अपना हिस्सा पुट कर रही थी. ओके, सो ये जो हमारे पास रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज बनाई गई जो रीजनल बेसिस पे अपने जो है कंट्रीज को, जो उनके मेंबर कंट्रीज थे, उनको फैसिलिटेट कर रही थी. लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है क्योंकि इस चैप्टर का, दैट इज हाउ इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट्स एन एमएनसी वैल्यू. ठीक है, कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन को की वैल्यू को वो किस तरीके से इम्प्रूव करती है, या वो किस तरीके से इफेक्ट करती है, या वो जो उसको नेगेटिवली रिएक्ट करती है, वो किस तरीके से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड का. तो उसके लिए क्या कहता है, कहता है कि NMNC value can be affected by international trade in several ways. The cash flows and therefore of the value of MNC's subsidiaries that export to a specific country are typically expected to increase in response to a higher inflation rate, causing local substitute to be more expensive or a higher national income, which increase the level of spending in that country. ये एक सिंपल अल्फाज में कह रहा है कि MNC value से मुराद हमारा क्या है, कि multinational corporation की जो है जो फ्लोज हैं, इनफ्लोज हैं, वो कैसे इंप्रूव होंगे. ठीक है, सो उसके लिए वो क्या कर देता है कि वो जो उनकी सब्सिडीज दूसरी कंट्रीज में जो है वो क्या कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही होती है, अपनी चीजें वहां पे भेज रही होती है. ठीक है, तो वो वहां के जो है कंट्री के सिचुएशन के साथ चलेंगे, उनको देखेगी कि अगर वहां पे जो है हाई इन्फ्लेशन होगा तो उसका मतलब क्या है कि उनके लोकल प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं. ठीक है, सो वो जो है सब्सिट्यूट नहीं कर सकते, और अगर जो है वहां के हायर जो है नेशनल इनकम बहुत हाई है, ठीक है, कि उनकी जो है लोगों की अपनी इनकम्स बहुत ज्यादा है और उनके पास हाई स्पेंडिंग है, तो उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है. ठीक है, कि अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो फिर आप जो है उनके मुकाबले में जा सकते हो कि जी हमारी चीज सस्ती है, वहां पे जो है सस्ती प्रोडक्ट उसको मिलेगी, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, प्रमोट करेंगे. और अगर लोगों का इनकम बड़ा हाई है तो फिर तो आपके लिए ओपन मार्केट है कि आप वहां पे जो है अपने जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं वहां पे सेल आउट कर सकते हो इजिली. So, कहता है कि the expected cash flows of MNC subsidiaries that export or import may increase as a result of countries' trade agreements that reduce tariff and other trade barriers. और कहता है कि जो MNCs हैं उनकी subsidiaries के जो expected cash flows हैं उसका डिपेंडेंट किस चीज पे है, कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, और वो इंक्रीज और डिक्रीज कब होंगी डिपेंड करता है कि आपके उस कंट्री के साथ किस तरीके से एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, कि वो आपको जो है टैरिफ अपने कम करके दे रहा है, या फिर आपके बैरियर्स कम करके दे रहा है, या फिर आप इतने टैक्सेस लगा रहा है कि वो आपके लिए इतना यूजफुल नहीं हो रहा, कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको उससे फायदा मिलेगा, वो फायदा आपका सारा का सारा जो है वो टैरिफ्स पे चला जाता है, या आपको कोटा के जरिए से बाउंड कर दिया जाता है कि आप लिमिटेड चीजें जो है भेज सकते हो, तो दैट विल नॉट बेनिफिट यू. तो आप क्या करते हो कि उसी कंट्री में जाना पसंद करते हो जहां पे आपके लिए जो है ये बैरियर्स कम होते हैं. तो जब जो है जहां पे इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं, जहां पे बैरियर्स बड़े कम होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हर जो है बिजनेस जाना चाहता है, और MNCs के लिए तो ओपन मार्केट हो जाती है, वो जो ऑलरेडी उनके पास हैवी फंड्स होते हैं, वो वहां पे जाके या DFI करना शुरू कर देते हैं, या वहां पे सब्सिडी करते हैं, या फिर वो जो है कंट्रीज में जाके वहां पे एक्विजिशन शुरू कर देते हैं. सो इसलिए कहता है कि कैश फ्लोस टू अ US बेस्ड MNC दैट अकर्स इन द फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर ट्रेड इन यूनाइटेड स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ वीकर डॉलर बिकॉज द डिमांड फॉर इट्स डॉलर डोमिनेटेड एक्सपोर्ट्स शुड इंक्रीज. ठीक है, कहता है कि जैसे अब US बेस्ड आपके पास जो है MNCs हैं, उनकी कैश फ्लोस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी पेमेंट्स जो है एक्सपोर्ट की सूरत में जब आती हैं, जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, वो क्या उनकी इंक्रीज होंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो वीक हो चुका है. सो डॉलर जब कमजोर हुआ तो वो क्या करेगा, अपने जो है उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जो है उनकी चीज़ें सस्ती लोगों को मिलना शुरू हो गई हैं. और वही बात कि जो है उनकी डॉलर डोमिनेटेड एक्सपोर्ट शुड इंक्रीज, जो चीज़ें जो है डॉलर में बिक रही थी तो वो जो है मजीद
उनको सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी। लेट से अब एक चीज जो है वो डॉलर में आपको 1 डॉलर पे मिल रही थी और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो चुकी है और अब डॉलर के मुकाबले में जो है वो 60-70 पे आ चुकी है। तो अब आपको जो है वो चीज 60-70 में मिल रही है, आपके मुल्क में वो चीज जो आपको 120-150 में मिल रही है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे कि अपने कंट्री की चीज छोड़ के अपने जो है डॉलर में चीज जो है परचेज करोगे। सो कहते हैं कि हाउ आवर कैश फ्लोज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूएस बेस्ड इंपोर्टर्स मे बी रिड्यूस्ड बाय अ वीकर डॉलर बिकॉज इट विल टेक मोर डॉलर्स इंक्रीज कैश आउटफ्लो टू परचेज द इंपोर्ट्स। ठीक है, और वही बात के आपके जो अपोजिट सिचुएशन हो जाएगी कि अगर जो है यूएस का जो है वो क्या हो गया कि डॉलर जो है वो कमजोर है तो वो बाहर से जब चीजें मंगवाएगा तो वो महंगी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तान की करेंसी है कि पाकिस्तान के आप जो है डॉलर में 1 डॉलर की चीज भी बाहर से मंगवाते हो तो आपको 160-166 रुपए देने पड़ते हैं जो कि बड़ा महंगा पड़ जाता है। सो इम्पोर्ट्स आपके लिए जो है बड़ी महंगी हो जाती है और आप जो है चीजें बाहर से मंगवाना छोड़ देते हो। सो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डॉलर विल हैव द ऑपोजिट इफेक्ट ऑन द कैश फ्लोज ऑफ यूएस बेस्ड एमएसईज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन जहां पे आपके पास जो है डॉलर या आपकी अपने मुल्क की करेंसी स्ट्रांग होगी तो वहां पे फिर सिचुएशन चेंज होगी। उन कंट्रीज बेस्ड जो है जितनी भी आपके पास जो है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी होगी और उनके लिए जो है वहां पे वो चीजें बड़ी सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी, उनके लिए इम्पोर्ट जो है बड़े सस्ते हो जाएंगे जबकि एक्सपोर्ट उसके जो है वो डिस्करेज होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसके एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के लिए फिर बड़ी महंगी हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर था जिसमें हमने क्या किया जो है स्टार्ट किया अपने तमाम के टॉपिक को कि फ्लो कैसे होती है, ठीक है, किस तरीके से फ्लो चल रही है। तो हमने यूएस बेस्ड सिनेरियोस को स्टडी किया कि यूएस जो है कैसे अपने फ्लो ऑफ फंड्स को लेकर जा रहे हैं। फिर हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कौन से जो है आपके पास सिचुएशन एक्सचेंज रेट और कौन सी सिचुएशंस हैं या जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं कि आपके इन जो है ये जो ट्रेड हो रही है इंटरनेशनली उसको इफेक्ट कर रही होती है, उनको जो है इम्पैक्ट कर रही है, वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, कोई डिस्करेज हो रहा है, कोई प्रमोट हो रहा है, तो जिसमें हमने एक्सचेंज रेट वगैरह का जिक्र किया। आज हमने लास्ट में देखा कि कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड को जो है प्रमोट करने में हेल्प आउट करती है, जिसमें हमने वर्ल्ड बैंक वगैरह का जिक्र देखा और हमने क्या किया कि देखा कि आपकी जो है एमएनसीज को कौन सी चीजें इफेक्ट करती है उनके इनफ्लोज और आउटफ्लोज को। सो पेपर के पर्सपेक्टिव से ये जो नाम है ये याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनका आइडिया होना इंपॉर्टेंट है। हमने जो है बैक पे ऊपर जितने भी चीजें पढ़ी वहां पे जो है यूएस में फ्लो फंड्स कैसे चल रही होती है, ठीक हो गया, वो जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि कल को आप फ्यूचर में कोई आपसे इसके बारे में पूछता है कि यार इंटरनेशनली बिजनेस कैसे किया जाता है या आप कल को जो है इंटरनेशनली बिजनेस जो है वहां पे डेवलपर बन जाते हो, बिजनेस डेवलपर ऑफिसर बन जाते हो, तो आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमें ग्रो करना है। अगर हम एक बिजनेस को इंटरनेशनली लेकर जाते हैं तो हमें कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, हमें कौन सी चीजें हमारी जो है इन्फ्लोस को कम करते हैं, कौन से ऐसे इदारे बैठे हुए हैं जो आपकी कंट्रीज को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब आप नॉर्मली IMF और उनके नाम सुनते हो कि जी IMF ने ये कर दिया, फलाना कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने ये कर दिया, कर्जा में लिया तो उसके टाइम आ गया, तो ये सारे के सारे इदारे क्या हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, उनका इम्पैक्ट इकोनॉमीज पे क्या पड़ता है, इनकी नो हाउ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एज ए पेपर परस्पेक्टिव। कि अगर आपको जो है सिचुएशन मिल जाती है या आपसे जो है सिनेरियो बेस्ड पूछा जाना जाता है, जो है आपसे कोई पूछ लेता है कि यार हमें जरा बताएं कि जो है आपको जो है IMF कैसे फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान को, अगर आपको जो है फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है पाकिस्तान को और आपसे पूछा जाता है कि जी अपने जो इकोनॉमी को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं या IMF के साथ आपने टर्म्स एंड कंडीशन करनी है, तो वो आप कैसे लेकर जाओगे, वो आपको IMF के बारे में पता ना हो, आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता ना हो, तो आप उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें जो है इस परस्पेक्टिव से बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो।